Student, how are you? I hope all of you are fine. Lecture number 10, class 4, and our topic is factors and multiples. Okay. We study about rules of divisibility. Rule number 1 is any number with 0, 2, 4, 6, 8 at the unit place is divisible by 2. All even numbers are divisible by 2. कह रहे हैं जितने भी इवन नंबर्स हैं वो क्या वो टू पर डिविजिबल हो सकते हैं और कोई भी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे जीरो टू फोर सिक्स एट हो वो भी क्या टू पे डिवाइड हो सकते हैं ओके okay, सिक्सटीन अब सिक्सटीन यूनिट प्लेस पे क्या है सिक्सटीन के सिक्स ज़ीरो टू फोर सिक्स एट तो क्या ये टू पे डिवाइड हो सकता है ओके okay, सिक्सटीन को अगर हम टू पे डिवाइड करें तो क्या होता है एट तो ये सिक्सटीन क्या इवन नंबर भी है ना ओके okay, तो रूल नंबर वन में हमें ये बताया गया है कि कोई भी नंबर अगर उसकी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो ज़ीरो टू फोर तो वो क्या टू पे डिवाइड हो सकता है और ऑल इवन नंबर डिविजिबल बाय टू रूल नंबर टू इज इफ द डिजिट ऑफ एनी नंबर एड अप टू नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय थ्री देन द एडिशनल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय थ्री कह रहे किसी भी नंबर का डिजिट अगर हम उसे उस नंबर में ऐड करें जो थ्री पे डिविजिबल हो अगर वो नंबर थ्री पे डिवाइड हो सकता हो और अगर उस नंबर में हम कोई भी डिजिट ऐड अप करें ठीक है किसी भी नंबर का देन द ओरिजिनल औरिजिनल नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाय थ्री तो जो ओरिजिनल नंबर होगा वो भी क्या होगा थ्री पे डिविजिबल होगा ओके okay. रूल नंबर टू में क्या था कि किसी भी नंबर के डिजिट अगर हम उन्हें ऐड करें और वो थ्री पे डिविजिबल हो तो क्या औरल नंबर भी थ्री पे डिविजिबल हो सकता है देखें ये नंबर्स हैं उनके डिजिट्स को हमने ऐड किया वन प्लस ज़ीरो प्लस फाइव तो वन प्लस फाइव क्या हो गया सिक्स ओके तो इनको ऐड करके हमारे पास क्या आया है सिक्स तो हम देख रहे हैं कि सिक्स थ्री पे डिविजिबल है ओके सिक्स को अगर हम थ्री पे डिविजिबल करें तो क्या आएगा टू तो सिक्स क्या डिविजिबल बाय थ्री तो ये क्या है कि जो ओरिजिनल नंबर है वो भी क्या होगा थ्री पे डिविजिबल होगा अगर उनको ऐड करके जो नंबर है वो थ्री पे डिविजिबल हो तो वो जो ओरिजिनल नंबर है वो भी थ्री पे डिविजिबल होगा अब ये ऐड करके सिक्स आएगी थ्री पे डिविजिबल है अब ओरिजिनल नंबर भी थ्री पे डिविजिबल होगा तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है वन हंड्रेड फाइव इज आल्सो डिविजिबल बाय थ्री ओके ये देखिए इसको करके देखते हैं थ्री थ्री नाइन टेन में से नाइन माइनस किया वन फाइव पैसे का वैसे नीचे आ गया फिफ्टीन थ्री फाइव से फिफ्टीन फिफ्टीन में से फिफ्टीन माइनस किया जीरो ओके रूल नंबर थ्री क्या एनी नंबर विद जीरो और फाइव एट द यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय फाइव कह रहे कोई भी नंबर अगर उसके यूनिट प्लेस पे ज़ीरो या फाइव आए तो वो क्या फाइव पे डिविजिबल होगा हमारे पास एक नंबर है वन हंड्रेड नाइन्टी फाइव तो क्या ये फाइव पे डिविजिबल है ये देखें यूनिट प्लेस पे क्या है इसके फाइव तो कोई भी नंबर जिस पे जीरो या फाइव यूनिट प्लेस पे हो तो वो क्या फाइव पर डिविजिबल हो सकता है ओके okay. करके देखते हैं क्या ये वाकई रूल नंबर थ्री सही ही कह रहे वन हंड्रेड नाइन्टी फाइव इज़ डिविजिबल बाई फाइव क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है फाइव ओके okay. तो इसे फाइव से डिवाइड करके देखते हैं फाइव थ्री हज़ार फिफ्टीन नाइन्टी में से फिफ्टीन माइनस किया फ़ोर ओके फाइव नीचे आ गया फोर्टी फाइव फाइव नाइन हज़ार फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव में से फोटी फाइव माइनस किया जीरो तो क्या? ये देखें अब वन हंड्रेड नाइनटी फाइव फाइव पे क्या है डिविजिबल है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या फाइव अगर इसके यूनिट प्लेस पे जीरो होता तो ये फिर भी फाइव पे क्या होना था डिविजिबल होना था फोर यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाई टेन कह रहे कोई भी नंबर अगर उसके यूनिट प्लेस पे जीरो हो तो वो क्या है डिविजिबल होगा टेन पे नंबर फोर में कह रहे हैं कोई भी नंबर अगर उसकी यूनिट प्लेस पे जीरो हो तो वो टेन पे डिविजिबल होता है ओके okay. इज़ टू फोटी इज़ डिविजिबल बाई टेन अब हम देखते हैं कि इज़ टू हंड्रेड फोर्टी क्या डिविजिबल है टेन पे क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है जीरो ओके इसे डिवाइड करके देखते हैं टू फोर्टी टेन टू जार ट्वेंटी फोर में से ज़ीरो माइनस किया फोर टू वैसे का टू में से टू माइनस किया जीरो अब जीरो नीचे आ गया ओके फोर्टी हो गया टेन फोर जार फोर्टी फोर्टी में से फोर्टी माइनस किया जीरो तो अब ये देखें टू हंड्रेड फोर्टी डिविजिबल है ना टेन पे येस एनी नंबर

पी वन फाइव सिक्स इज़ डिविजल बाई डैश डैश एंड डैश ओके वन फाइव सिक्स है तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है Six. तो ये क्या इवन नंबर तो ईवन नंबर क्या टू पर डिवाइड हो सकते हैं ओके okay. अगर हम इसको एड करते हैं इन टीचर्स को तो क्या आता है ट्वेल्व तो अगर ट्वेल्व थ्री पर डिवाइड हो सकता है ना तो इसका मतलब ये है कि रिजनल नंबर भी थ्री पर डिवाइड हो सकता है यह हमने रूल नंबर टू में स्टडी किया था ओके okay. और इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है सिक्स तो इसका मतलब ये सिक्स पे भी डिवाइड हो सकता है ओके पार्ट सी इफा नंबर है ज़ीरो एट द यूनिट प्लेस अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे ज़ीरो हो इट इज़ डिविजिबल बाय तो ये क्या टू पे भी डिविजिबल हो सकता है फाइव पे भी और टेन पे भी ओके okay. इफ़ द सम ऑफ़ डिजिट अगर कह रहे हैं कि किसी फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये इसके डिजिट्स का सम किया था वन प्लस फाइव प्लस सिक्स तो ट्वेल्व आया था अगर इसी तरह कह रहे हैं कि इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल ब थ्री दैन द नंबर इट सेल्फ डिविजल बाय थ्री तो नंबर ख़ुद भी थ्री पे डिविजल हो सकता है वन फाइव सिक्स का हमने सम किया ट्वेल्व आया था तो ट्वेल्व थ्री पे डिविजिबल हो सकता है तो ये नंबर ख़ुद भी थ्री पे डिविजिबल हो सकता है ओके ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाई टू तमाम इवन नंबर टू पर डिविजिबल हो सकते हैं ये हमने रूल नंबर वन में स्टडी किया था ओके क्वेश्चन नंबर टू स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स ओके ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटी नाइन इज डिविजिबल बाई थ्री कह रहे हैं ये थ्री पे डिविजिबल हो सकते हैं अगर हम इनके डिजिट्स को ऐड करें ठीक है तो अगर वो थ्री पे डिविजिबल हो सकते हैं तो इसका मतलब तो ये अरिजनल नंबर भी थ्री पे डिविजिबल हो सकता है तो ये क्या है ट्रू ओके वन सिक्स जीरो इज़ डिविजिबल बाई टू तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है जीरो तो जिसके यूनिट प्लेस पे जीरो हो तो वो टू पे डिविजिबल हो सकता okay. है ओके okay. okay. ये क्या है ट्रू ओके टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इज़ डिविजिबल बाई फाइव एंड टेन ओके ये फाइव पे तो हो जाएगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे फाइव है लेकिन ये टेन पे नहीं होगा तो ये क्या होगा फॉल्स ठीक है एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई टेन इज़ डिविजिबल बाई फाइव कह रहे हैं कोई भी नंबर जो कि टेन से डिविजिबल हो वो फाइव पर डिविजिबल हो सकता है तो ये क्या है टू ओके फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी थ्री इज़ डिविजिबल बाई फाइव तो ये क्या है फाइव पर डिविजिबल नहीं हो सकता तो ये क्या है फॉल्स ओके क्वेश्चन नंबर थ्री सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमने करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने ओके पार्ट ए सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी फोर ज़ डिविजिबल बाई फाइव टू एंड थ्री टू एंड टेन टू एंड फाइव तो ये किस पे डिविजिबल हो सकता है ओके अब ये देखें इसके यूनिट प्लेस पर क्या है फोर तो फोर क्या इवन नंबर तो ये क्या टू पर डिविजिबल हो सकता है अगर हम इसको एड करें सिक्स टू थ्री फोर को तो क्या आ रहा है फिफ्टीन तो फिफ्टीन क्या थ्री पे डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब ये रिजनल नंबर भी थ्री पे डिवाइड हो सकता है तो ये क्या करेक्ट आंसर क्या है टू एंड थ्री ओके पार्ट बी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इज़ डिविजिबल बाई फाइव ओनली टू एंड टेन टू एंड फाइव टू फाइव एंड टेन ओके जिसके यूनिट प्लेस पे ज़ीरो तो ये क्या वो टू फाइव और टेन पे डिविजिबल हो सकता है ओके फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इज़ डिविजिबल बाई फाइव एंड थ्री टू एंड फाइव फाइव ओनली टेन तो फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फ़ाइव किस पर डिजिबल हो सकता है इसकी यूनिट प्लेस पर क्या फ़ाइव